था। सीन पाठ तीन मेरी शिक्षा आत्मकथा। सीमा, आज तो मैं फ्रेंच सीखने जाऊंगी। मम्मी ने कहा कि फ्रेंच आगे काम में आएगी। पर अभी जो ये दो भाषाएं सीख रही हो रीमा, उनका क्या? हिंदी अंग्रेजी तो आती है, धीरे धीरे और अच्छी हो जाएगी। भाषा सीखना अच्छी बात है रीमा, पर रीमा उन्हें अच्छी तरह जानना समझना प्रयोग करना अलग बात है। अरे वह तो मैं कर लूंगी। हाँ सही बात है, यह हमारे राष्ट्रपति जी ने भी तो कितनी भाषाएं सीखी। मैं तो हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ दादी से संस्कृत भी सीख रही हूँ। पहले इन तीनों को अच्छा सीख लूं, फिर कोई और भाषा सीखूंगी। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है। पांचवी या छठी बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई, हम तीन विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए, एक मैं और दूसरे दो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई। जमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे, वे हमारे लीडर थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चाचा जी, जो मेरे भी चाचा थे, उन्हें बड़े मजाक पसंद थे। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी से कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी खूब खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र आदमी थे। उनका बहुत बातों पर दावा था। बलदेव चाचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए थे। चाचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि शतरंज खिलाते भी खूब जानते हैं। बलदेव चाचा उन्हें शतरंज खिलाते, पर वे कभी ना जीतते। हम सबको कौतूहल से देखते, हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा, बाग में बंदर आ गया है, उसे गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चला लेते हैं। चाचा ने गुलेल और गोली उन्हें देकर कहा कि खूब खींच कर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींच कर गोली बंदर को मारी और देखना चाहा कि बंदर को चोट कैसे लगती है। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर तर खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वह सहम कर बैठ गए। गोली बंदर की बजाय वे खुद को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले, मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में एक सांड आ गया। सबने कहा, यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चाचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे, वे बिना डर के आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम करना नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई वह पुराने किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो
पहले कभी बंदूक चलाई नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर ज्यों का त्यों घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार के बाद की दोपहर तक फारसी की छुट्टी रहती थी। तब गिनती देखते थे। खेल कूद करने के लिए भी समय दिया जाता था। दोपहर के बाद दूसरा कार्य मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। संध्या को जल्दी नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते देख ना ले, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और उसे छिपाकर उसे दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। हमें जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हें मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बड़ा दुख हुआ।